GB24 न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं तनु तिवारी। भाजपा के झारखंड विरोधी मानसिकता के विरोध में बोकारो जिला मुख्यालय पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे झामुमो के जिला अध्यक्ष हीरालाल मांझी ने कहा कि आज झारखंड के विरोध में भाजपा नेताओं द्वारा बयान दिया जा रहा है, इसको लेकर हम लोग प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल को ज्ञापन सौंप कर भाजपा को निलंबित करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रदेश आदिवासी बाहुल्य है और आदिवासियों के खिलाफ आ रहे बयान पूरे देश के लिए शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन की अदालत के बाद इस राज्य को राज्य का दर्जा मिला है, लेकिन अब भाजपा नेताओं ने इस राज्य को केंद्र शासित राज्यों में शामिल करने का बयान दे रहे हैं, तो झामुमो इस राज्य को भाजपा के हाथों नहीं जाने देगी, हम आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा की मनमानी नहीं चलने देंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा बोकारो जिला कमेटी की ओर से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो जिस तरह से झारखंडी विरोधी बयान आ रहा है, उसके खिलाफ में बोकारो उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन करते हुए महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन हम लोग सौंपने जा रहे हैं कि वैसे जन विरोधी नेताओं को और जन विरोधी दल को झारखंड प्रदेश से निलंबित करने का काम करें। जिस तरह से यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी, यहाँ के दलित, यहाँ के पिछड़े वर्गों का जो सम्मान को हनन करने का काम कर रही है, जो कि झारखंड प्रदेश आदिवासी बहुल प्रदेश है और आदिवासियों के खिलाफ जिस तरह इन लोग का बयान आ रहा है, ये पूरे देश के लिए शर्मनाक बात है। झारखंड मुक्ति मोर्चा इसके खिलाफ अब सड़क से लेकर के सदन तक इसका आंदोलन करेगी और वैसे नेताओं को यहाँ झारखंड से भगाने की काम करेगा जो हमारे झारखंडी आदिवासियों के खिलाफ बयानबाजी करता है। हम लोग इस राज को हमारे आदरणीय दिशम गुरु शिबू सोरेन के अथक मेहनत और आंदोलन के बदौलत ये राज मिला है और इस राज को हम लोग कतई केंद्र के हाथों में नहीं जाने देंगे। जिस तरह से यहाँ के सांसद, यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के नेता का जो बयान आ रहा है कि झारखंड के कुछ अंशों को केंद्र शासित प्रदेश में शामिल किया जाए, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। उसी को लेकर के आज बोकारो जिला कमेटी उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर रही है और आपके माध्यम से हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और उनके नेताओं को और उनके सांसदों को ये आगाह करना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि इस तरह का बयानबाजी से अगर वो बाज नहीं आया तो निश्चित तौर से झारखंड मुक्ति मोर्चा उसको खदेड़ने का काम करेगा। लाल स्कर में तय झारखंड की तमाम खबरों की आप देखते रहे GBN 24 न्यूज।